हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफशना सिलाई सेंटर। आज मैं आपके साथ ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आप किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं, फ्रॉक के साथ बना सकते हैं, शर्ट पे बना सकते हैं, कुर्ती में बना सकते हैं। मैं इसमें फ्रॉक में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं पहले चोली कट कर लूँगी। देखिए, मैंने डबल फोल्ड किया है कपड़ा। ये मेरा रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है। इसको डबल फोल्ड कर लिया है और अब फोर फोल्ड कर लिया है। मेरी चोली फोर फोल्ड में ही कट हो जाएगी, क्योंकि ये जिसका साइज है वो थोड़ी पतली लड़की है। आप फैब्रिक को अपने अकॉर्डिंग फोल्ड करें, जो भी आपका साइज हो। फ्रेंड्स, इसमें आपको फ्रिल के लिए कम से कम 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा फ्रिल बनाने के लिए। बाकी आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आप अपने ड्रेस बनाना चाह रहे हैं। चलिए, पहले मैं इसमें चोली कट कर लूँगी। ये कॉलर में है, तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। बैक का 1 इंच उठता हुआ रखेंगे और शोल्डर लूंगी। देखिए, हमारा बैक है, ये फ्रंट लाइन है। अब मैं इसमें शोल्डर लगा लूंगी, तो शोल्डर हमारे 7.25 पे है। लेंथ में मैं 7.25 रखूंगी और जो हमारी चोली है उसकी चोली की लेंथ जो है हमारी 14 इंच है। 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा और 1/2 इंच नीचे, तो मैं इसलिए 15 इंच पे कट कर लूंगी। निशानों को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर भी मैं 7.25 इंच पर ही मार्क करूंगी और फ्रंट के लिए मैं 1 इंच पीछे जाऊंगी। इस निशान को इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे और अपने आर्म होल की शेप देंगे। तीन इंच की हम ब्रॉड रखेंगे कॉलर के लिए और 1/2 इंच डाउन करेंगे। देखिए, हम बैक पार्ट का 1/2 इंच डाउन कर रहे हैं और ये फ्रंट पार्ट का 1/2 इंच डाउन कर रहे हैं। ये मैं बाद में कट करूंगी। वेस्ट फिटिंग जो है हमारी 7.5 है। मैं आगे की तरफ प्लेट डालूंगी, तो इसलिए मैं 8 रख लूंगी। आगे भी और पीछे भी मैं प्लेट्स डालूंगी, तो 8 इंच पर रख लूंगी। आगे मार्जिन ले लेंगे। 9 इंच की हमारी चेस्ट फिटिंग है, तो हम यहाँ पर 9 इंच का मार्क कर लेंगे। दोनों निशानों को मिलाएंगे और इसको निशानों पर ही कट कर लेंगे। देखिए, हमने निशानों पर ही, ठीक निशान पर ही हमने कट किया है। अब हम यहाँ पर कट लगा देंगे। एक हम यहाँ पर कट लगाएंगे और एक यहाँ पर कट लगाएंगे, सेंटर में कट लगाएंगे और शोल्डर पर कट लगा देंगे। अब हम इसको फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए, अब हम फ्रंट से यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। आर्म होल भी हम कट करेंगे। देखिए, अब हमारी चोली कट हो गई है। अब हम इसमें फ्रिल कट कर लेंगे अपनी। देखिए, हम इस तरीके से ये कपड़ा बिछा लेंगे और कपड़े का हम सेंटर लेंगे। दोनों साइड से हमें सेंटर लेना है। देखिए, जैसे ये हमारा 40 इंच आ रहा है, तो 40 का हम 1/2 पर निशान लगाएंगे। 40.5 है, तो 20.25 पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम सेंटर में निशान लगाएंगे। देखिए, हमारा 43.5 है, तो हम इसका भी सेंटर कर लेंगे। 21.25 पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा सेंटर बन गया है। देखिए, अब हम कम से कम 5.5 इंच की फ्रिल रखेंगे, क्योंकि हमारा ये जो है 1/2 इंच ट्रिमिंग में भी जाएगा और 4.5 इंच के करीब हमारी फ्रिल रहेगी। आप एक्स्ट्रा रखना चाहें एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। इस तरह से हम गोलाई में घुमाते हुए जाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा निशान लग चुके हैं। अब ये हमारा यहाँ पर ये ख़त्म हुआ है, तो हम यहीं से कट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम इसी तरीके से गोलाई पर ही कट करते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रफल कट चुकी है और यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये हमारी रफल कम रहेगी तो हम इसमें जॉइंट लगा सकते हैं और रफल बना सकते हैं। चलिए मैं अब आपको स्लीव्स कटिंग बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें से फ्रॉक के घेर कट किए थे, तो हम यहाँ से स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमारी 21 इंच है और हम इसमें कम से कम 3 इंच के आगे कफ भी लगाएंगे, तो 2.5 इंच इसमें इस तरीके से निकालते हुए और 21 इंच पर हम सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर की तरफ, 21.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। 8.25 का हमारा शोल्डर है, तो हम यहाँ से देख लेंगे, ये हमारा 8.25 के करीब है, एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं। देखिए अब हम इसमें 3 इंच डाउन करेंगे और अपना आर्म होल निकालेंगे, 7.25 पर निशान मार्क लगाएंगे। आगे हमें जितना मार्जिन रखना है उतना मार्जिन रख सकते हैं, और हमारा जो फिटिंग का ये कफ का फिटिंग है उसके हम 5 इंच पर रखेंगे, आगे मार्जिन ले लेंगे और शेप फिटे से हम शेप दे देंगे। और इसकी इस तरीके से हम गोलाई देंगे। निशान पर ही हम कट कर लेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स कट हो गई है, कफ हम आपको स्टिचिंग करते हुए बताएंगे। चलिए स्टिचिंग करते हैं इसकी। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बैक हिस्सा है उस पर हम पहले 3 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और 1 इंच डाउन करते हुए हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे और ऊपर ले जाते हुए हमें 1/2 इंच रख लेना है, जो कि हमारे सिलाई में जाएगा, बस इतना ही रखना है। ये हो गया है हमारा। अब हम इसमें फ्रंट कट करेंगे, फ्रंट पर भी हम 3 इंच का मार्क करेंगे और डाउन जाएंगे हम 3.5 इंच पर, और टोटल जो हमारी नेक की जो लेंथ है वो हमारी 7 इंच पर बनेगी। हम इस तरीके से शेप देंगे, जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है पहले हम इसे इस तरीके से शेप देंगे, और फिर हमारा हल्का सा वी शेप में है तो हम इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये इस तरीके से फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम पहले अपनी वी शेप रेडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको सीधे पर इस तरीके से रखेंगे और रॉन्ग साइड से हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। अब हम इसको उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे, और सिर्फ इतना फैब्रिक रखना है हमें जो कि हमारा इसमें फोल्ड हो जाए। हमारी वी शेप रेडी हो गई है, पीछे की तरफ हमने तुरपन भी लगा दी है।
अब हम इसमें बैक साइड को अटैच करेंगे। हमें शोल्डर से अटैच करना है बैक साइड। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे, लेकिन हम उससे पहले कॉलर अटैच करने से पहले हम रफ़र लगाएंगे। तो पहले हम अपनी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए हमारा फ्रंट है सब। अब हम यहाँ से कट से लेकर हम कट पर ही रखेंगे, जो हमारा आर्म होल का जो निशान लगाया था हमने, उस कट को कट से मिलाते हुए स्लीव्स अटैच करेंगे। देखिए हमने ये स्लीव्स लगा ली हैं। अब इसमें हम अपनी रफ़र अटैच करेंगे। तो हमें ये शोल्डर की जो सिलाई दिख रही है आपको, इस शोल्डर की सिलाई से 3.5 इंच के करीब नीचे लेना है हमें। और यहाँ पर हमारा ये जो स्लीव्स है, इस स्लीव्स में हमें कम से कम 1.5 इंच के करीब गैप छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा और आधा 1.25 इंच के करीब रफ़र रहेगी यहाँ पर। तो ये हमें 1.5 इंच के करीब छोड़ देना है। और इसको और इस निशान को हम दोनों को क्रॉस में अटैच करेंगे इस तरीके से। और अब हम यहां से इस तरीके से, यहां से हम इसको इस तरह से शेप देंगे। इस निशान पर ही हमें अपनी रफल अटैच करनी है। देखिए रफल हमारी इस तरीके से आएगी पीछे की तरफ जाती हुई। चलिए हम अपनी रफल अटैच करते हैं। देखिए रफल को मैंने दोनों साइड से ट्रिम कर लिया है। आप पिको भी करा सकते हैं, मैंने सिलाई लगाई है, बारीक सिलाई लगाई है दोनों साइड से। अब हम इसमें कम से कम 1.25 इंच के करीब गैप छोड़ते हुए हम इसमें एक चुन्नट डालेंगे। इस तरीके से डालेंगे हम। देखिए हम इसको पहले टाइट कर लेंगे और अपनी बड़ी सिलाई कर लेंगे, जो कि हम कच्ची सिलाई डालते हैं जैसे, उसमें कर लेंगे। देखिए हमारी गैदर्स बन गई हैं। अब हम इसमें अटैच करेंगे अपने टॉप से हम अटैच कर लेंगे इसको। देखिए हमें इस तरह से खोल लेना है पूरा, और हम रफल को इस तरीके से रखते हुए, देखिए हम इस तरीके से रखते हुए हमारे ये नेक से अटैच होना चाहिए यहाँ पे। और नॉर्मल सिलाई से हम अटैच करेंगे इसको। देखिए अब हम बिल्कुल निशान पर इसकी सिलाई चलाएंगे, जो हमारी ये गैदर्स की जो सिलाई है, यहाँ पर हमें इस निशान पर ही चलाना है इसे।
कि हम इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम पूरे निशान पर नीचे तक लेते हुए चले जाएंगे। देखिए हमने पूरी कंप्लीट कर ली है अपनी ये नफल, ये इस तरीके से आएगी, इधर की साइड ये ऐसा आएगी। अब हम अपना पहले कॉलर अटैच कर लेंगे, कॉलर को नाप लेंगे यहाँ से। देखिए कॉलर हमारा 15.5 इंच पर हो रहा है टोटल, तो हम 15.5 इंच का कॉलर तैयार करेंगे। देखिए हम कॉलर बनाने के लिए फ्यूज़ पेपर लेंगे, उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और हमारा जो कॉलर है वो 15.5 इंच पर था तो हम इस तरह से 7.5 इंच पर लेंगे, और 1/2 इंच का हम मार्जिन इस तरीके से लगाते हुए, और इसकी इस तरह से शेप देंगे, हल्की सी गोलाई देनी है हमें। कॉलर की जो जो चौड़ाई है हम 3.5 इंच की रखेंगे, और इस तरीके से हम इसका कोना निकालेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रखना है हमें, थोड़ा ही रखना है, और इसको हम स्ट्रेट करेंगे यहाँ से। इसे हम कपड़े पर वो पेस्ट कर लेंगे। देखिए हमने पेस्ट कर लिया, अब हम इसके फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हम बाद में निकाल सकें। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको कट कर देंगे। देखिए हमें सिर्फ इतना मार्जिन रखते हुए हमें बाकी कपड़े को कट कर दिया है, और इसको अब हम कोनों को निकालेंगे इस तरीके से सीधा करते हुए, और एक कच्ची सिलाई अब हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए कॉलर हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसको अटैच करेंगे। कॉलर का सेंटर लेंगे पहले हम इस तरीके से, यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे, और जो हमारा नेक है उसका भी हम सेंटर कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरीके से सीधे की तरफ से ही कॉलर को लगाना शुरू करेंगे यहाँ से, और ये हमारा जो सेंटर है ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर हम एक पिनअप लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक पिनअप कर लिया है, और अब हम यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे।
ये सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इसके मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे और हम एक डोरी लेंगे, डोरी को इस तरीके से दबाएंगे, हमें इस तरीके से रखनी है डोरी को। देखिए यहाँ पर इस तरह से बांधने के लिए आ जाएगी। और अब हम एक पैर का गैप देते हुए कॉलर पे ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए कॉलर हमारा कंप्लीट है। यहाँ पर हम ये डोरी बांधेंगे। चलिए अब हम अपने स्लीव्स के कफ बनाते हैं। देखिए स्लीव्स के कफ बनाने के लिए हमने 3.5 इंच का ही हमें वो सॉरी 3 इंच का हमें रखना है कफ, और 1/2 इंच हमें फोल्ड का ले लेना है। यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की तरफ सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन ही रखना है, हमें 2 पॉइंट का भी रख सकते हैं, जितना आपको सिलाई में लेना है उतना मार्जिन रखते हुए कटिंग कर दें। फ्यूज़ पेपर हमने 10 इंच का रख लिया है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो हमें 10 इंच में रखना है इसकी फिटिंग। लेकिन आगे की तरफ से हमें शेप देनी है, तो शेप देने के लिए हमें 1/2 इंच और कट करेंगे। देखिए हमें इस तरीके से शेप देनी है। सिर्फ 1/2 इंच ही जाना चाहिए हमारा। अब हम इसको पलट कर यहाँ पर साइडों में भी सिलाई लगाएंगे। देखिए हमें जो रेडी रखना है वो हमारा 10 इंच होना चाहिए, तो 10 इंच पे मार्क कर लेंगे हम, और यहाँ से हमारा 9 इंच पर आना चाहिए, तो 9 इंच पर मार्क हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। कोने को थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। देखिए अब हम कफ का भी सेंटर करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करके एक सेंटर में कट लगा लेंगे। स्लीव्स का भी सेंटर कर लेंगे। देखिए हमने स्लीव्स का सेंटर बना लिया है। थोड़ी थोड़ी सी हम यहाँ पर साइडों में सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच की मोड़ाई करते हुए। दोनों साइड लगानी है हमें सिलाई। देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे उल्टा रखेंगे और कफ को भी हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, सीधी साइड हमारी तरफ होनी चाहिए ऐसे।
और सेंटर से मिलाएंगे और सेंटर से ही हमें सिलाई लगानी है। पहले देखिए जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है और ये कफ हमारा छोटा है, तो हम इस तरीके से प्लेट डालेंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है सिर्फ उतनी ही चौड़ी हमें प्लेट डालनी है। अब हमें इसी तरीके से हमें यहाँ पर डालनी है, बस हमें ये दूसरी साइड की प्लेट में हमें ये रफल के नीचे कर लेनी है प्लेट। तो हम थोड़ा सा ये रफल का हम जो हमने कच्चा किया था इसको हम खोल लेंगे और यहाँ पर इसमें हम रफल के नीचे डाल देंगे प्लेट। देखिए सिलाई लगा ली। अब हम सिलाई को इसका अंदर की तरफ मार्जिन करते हुए इस तरह से एक सिलाई अब हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की तरफ। देखिए कफ हमारा रेडी है, इस सिलाई को हम निकाल लेंगे और यहाँ पर हम बटन लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन तैयार है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।